तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एलटी फाइनेंस होल्डिंग के स्टॉक के बारे में। एलटी फाइनेंस होल्डिंग के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो देखेंगे जो ये स्टॉक है, ये हमको पहले यहाँ पर लगा था क्लियर डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा था, हमको यहाँ पर स्टॉक में लोअर लोअर पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, जिसके बाद अभी हमको यहाँ पर स्टॉक में रिकवरी देखने को मिल रही थी, लेकिन आज हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 4.44% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अगर अभी स्टॉक में और गिरावट आई तो यहाँ से भी और गिरावट के कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 127 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देर को यहाँ पर स्टॉक है 123, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 119, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक है 114 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। में यहाँ से अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से रिकवरी कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 134 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ पर स्टॉक है 139, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 150 और 160 तक के लेवल्स में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ऐसे नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।